डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई धान की फसल उत्पादन कर लेते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है उसकी कटाई की। कटाई किस प्रकार से की? कटाई किस प्रकार से की जाए ये तो समस्या है, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या धान का फसल आपका सही में कटने के लायक हो गया है कि नहीं हो गया है ना। क्योंकि होता क्या है कि धान की फसल बहुत पहले पक जाती है और किसान भाई ये सोच करके उसको छोड़े रहते हैं कि अभी हमारा फसल नहीं पका है, कुछ दिन और खेत में छोड़ते हैं। उससे नुकसान क्या है? उससे नुकसान ये होता है कि वो धान के जो दाने होते हैं वो हवा से चल चल के वहीं पर गिरने लगते हैं। तो करीब ऐसे 10-15% जो है धान का जो उत्पादन है आप खेत में ही छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा घाटा ये है कि अगर आप देर से कटाई करेंगे, यानी आप देर से खेत को खाली करेंगे, जब देर से खेत को खाली करेंगे तो जो अगला फसल है रबी जिसको लेना चाहते हैं आप, वो बहुत सारे किसान भाई ले नहीं पाते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जानना जरूरी है कि किस धान का फसल क्या वास्तव में हमारा पक गया है। तो इसके पहचान के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि धान के फसल जब आपको पीला पीला दिखने लगे है ना, तो उसको जो है दो तीन जगह से दो तीन दाने उठा करके दांत के बीच में दबाएं। अगर आपको कट की ध्वनि मिलती है तो समझ लीजिए कि आपका धान फसल जो है कटने लायक हो गया है। उसके बाद खेत में अनावश्यक मत छोड़ जी। तो डॉक्टर साहब, जब से कटाई करेंगे, अच्छा एक चीज़ और समस्या होती है कि किसान भाई कटाई करने समय किस तरह से कैसे कटाई करेंगे, कौन सा विधि अपनाते हैं? अब देखिए, इसमें भी ये होता है कि आप देखे होंगे कि बहुत जगह धान लगा हुआ है खेत, ठीक है, और जो धान की बालियां आई हैं उनका जो ऊंचाई है वो ऊपर नीचे है। तो किसान भाई क्या करते हैं, बाली को ऊपर से तोड़ के जमा करते जाते हैं है ना। और उसमें दिक्कत क्या होता है कि जो नीचे जो बाली रह गई है वो किसान भाई नहीं तोड़ पाते हैं, मतलब वो बाली वही छूट जाता है क्योंकि वो उतना ऊंचा नहीं है तो झुकने से उनके हाथ में आ जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि ज़मीन से 6 इंच ऊपर है ना, मतलब इतना एक बित्ता के आसपास आप ज़मीन से ऊपर जितना भी धान के पौधे हैं उसको वहाँ से काट कर आप बंडल बनाएं। और ये सबसे अच्छा तरीका है, इससे क्या होता है कि कोई भी धान की बाली आपके खेत में नहीं मिलेगी। दूसरा समस्या मुझे जहाँ तक लगता है डॉक्टर साहब कि इसमें आपको उसका जो डंटी वगैरह रहता है वहीं छूट जाता है, वैसी स्थिति के लिए भी काटना उचित होता है? जी बिल्कुल। अब है कि अब जो पुआल जी, अगर आप पुआल ऊपर से तोड़ रहे हैं सिर्फ दाने को, मतलब उसका जो जिसमें दाना आया है पेनिकल जिसको बोलते हैं, अगर सिर्फ उसको तोड़ रहे हैं तो आप तो पुआल वहीं छोड़ रहे हैं। अब पुआल को क्या करेंगे? अरे पुआल अगर आप ले जाएंगे तो उसका बहुत सारा उपयोग आप कर सकते हैं। तो जो लोग ऊपर से जो तोड़ते हैं ना, उसके बाद वो क्या करेंगे कि उसको खेत में जो पुआल बचा है खड़ा है उसमें आग लगा देते हैं। अब आग लगाने से क्या हुआ कि पर्यावरण को नुकसान, आपको पुआल नहीं मिला। पुआल अगर आप इकट्ठा करते तो हो सकता है आपके जानवर को चारा के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। अगर आपके पास जानवर नहीं है, आप बेच करके उससे कुछ पैसा कमा सकते थे। तो किसी भी हाल में पुआल को खेत में ना छोड़े, ये आपका प्रयास होना चाहिए। और किसी भी हाल में उसको खेत में जलाना ये उचित उचित नहीं जी।